एमएलसी और एमएलए में क्या फर्क होता है, दोनों का कार्यकाल कितना है, दोनों कितने अलग हैं, दोनों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आइए हम आपको फर्क समझाते हैं विधान परिषद और विधानसभा का। सबसे पहले दोनों के बीच बुनियादी अंतर समझिए। एमएलए का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलए किसी राज्य के विधानसभा का सदस्य होता है, वहीं एमएलसी किसी राज्य के विधान परिषद का सदस्य होता है। एमएलए चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है और एमएलसी चुने जाने की न्यूनतम उम्र 30 साल है। एमएलए का निर्वाचन सीधे तौर पर जनता करती है और एमएलसी का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। एमएलए का कार्यकाल 5 साल होता है और एमएलसी का कार्यकाल 6 साल होता है। देश के सभी राज्यों में जहाँ विधानसभा का अस्तित्व है वहाँ पर विधान परिषद हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ विधान परिषद देश के 6 राज्यों में है, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं। विधान परिषद में एक निश्चित संख्या तक सदस्य होते हैं। विधानसभा के एक तिहाई से ज्यादा सदस्य विधान परिषद में नहीं होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर समझिए, यूपी में 403 विधानसभा सदस्य हैं, तो यूपी विधान परिषद में 134 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। इसके अलावा विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना जरूरी है। हालांकि एमएलसी का दर्जा विधायक के बराबर ही होता है। आइए आपको बताते हैं कि दोनों को क्या शक्तियाँ मिलती हैं। सदन के सत्र के दौरान, सदन का सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में विधानसभा या परिषद के सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदन में कही गई बात के लिए कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार के न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। सदन में दिए गए वोट के संबंध में भी सदस्यों को किसी को जवाब नहीं देना होता। सदन के सत्र के दौरान किसी भी केस के संबंध में सदन का सदस्य कोर्ट में उपस्थित होने या कोई सबूत देने से इनकार कर सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर शक्तियां इनके पास कुछ भी नहीं है तो फिर विधान परिषद का महत्व क्या है। कुछ राज्यों ने विधान परिषद को अपनाया है तो इसके पीछे एक ही कारण है, वो ये कि सदन में विभिन्न राजनीतिक दल अपने ऐसे तमाम सदस्यों को शामिल कर सकते हैं जो विधानसभा का चुनाव हार गए या लड़े ही नहीं। इतना ही नहीं, विधान परिषद के सदस्यों में से मुख्यमंत्री जिसे चाहे मंत्री बना सकते हैं। मुख्यमंत्री भी इस सदन से हो सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभी विधान परिषद के ही सदस्य हैं। विधान परिषद चुनाव में जीत के बाद बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा। अब विधान परिषद में भी उनके पास 2/3 से अधिक बहुमत होगा। इतना ही नहीं, बीजेपी को प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं होगी। विधान परिषद चुनाव में जीत से योगी का कद और बढ़ने वाला है। वैसे विधानसभा चुनावों में योगी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत से जीत कर भी आई। विधान परिषद में जीत से योगी का दबदबा और बढ़ेगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।